सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता और मातृ रूपेण संस्थिता। तो हमारा तो करुण भाव, हमारा कल्चरल नैरेटिव वही है, दूसरी जगहों पे वो कल्चरल नैरेटिव नहीं है, क्योंकि वो हमेशा रिलेटेड टू एक्शन है। इसके कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं ये, और ये कंटिन्यूअस, इसलिए अमार्सिया एरर से है। हमारे नैरेटिव में क्या क्या थी बातें, तो इसमें वाल्मीकि रामायण में तो कहते ही हैं कि वाल्मीकि को इसलिए कहा गया कि आप लिखें, या जैसे भी उन्होंने इसलिए लिखा, क्योंकि इस कथा में जो करुण भाव है, जो करुणा है, उसको वही महसूस कर सकते थे। करुणा के लिए जब बात कही थी तो कल्चरल थीम, ऐसे कल्चरल थीम करुण और करुणा दो शब्द मेरे सामने आए थे। करुण और करुणा दोनों में अंग्रेजी में लिखते समय तो एक हो जाता था, लेकिन सामान्य तौर पे एक एक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ करुणा की बात मैंने पहले करने का प्रयास किया था। करुण और करुणा दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध होना चाहिए, और संबंध के लिए मैंने पहले इसको एटिमोलॉजी में देखा कि ग्रामर के हिसाब से इसमें क्या हो सकता है। तो इसका कोई ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ना तो मुझे मिला, और न किसी भी ग्रामेरियन ने, जो भी ग्रामेरियन जितने लोग मैं जानता हूँ उनसे भी मैंने कहा तो वो भी नहीं दे पाए, क्योंकि ये देखिए धातु है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट और सिम्बॉलिक है। ये धातु है क्री, और क्री का अर्थ जब करते हैं तो क्री विक्षेपे। अब विक्षेप का अर्थ तो होता नहीं है करुणा में आप कहेंगे, लेकिन विक्षेप का हो सकता है कि सेमेंटिक एक्सटेंशन अगर हम देखें तो ये बात इसमें आएगी, क्योंकि करुणा का जो हमारे यहाँ का कंसेप्ट है, और इसको मैंने दो तीन कल्चर्स में बहुत ही पॉपुलर जो टेक्स्ट्स हैं उसके आधार पर अभी समझने का प्रयास किया था, और कुछ दिनों से मैं करता रहा हूँ ये प्रयास, क्योंकि ये मेरे लिए इशू आता है। मैं सबसे पहले तो अनट्रांसलेटेबल्स जो होते हैं, क्योंकि करुणा को अनट्रांसलेटेबल की तरह मुझे लगा ये एट ऑल लेवल्स, तो ट्रांसलेशन और लिटरेचर के थ्रू मैंने इसको देखने का प्रयास किया था। क्योंकि एक तो है कि करुण रस की बात हम करते हैं, तो करुण रस तो ठीक है, वो एक नाट्यशास्त्र की परंपरा से हम देख सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर मैंने इसको अभी समझने का प्रयास नहीं किया, वो एक अलग पक्ष है जिसको अभी मैं नहीं देखने की कोशिश करूँगा। करुणा के लिए सबसे पहले जो हमारे लिए जो कल्चरल थीम था, क्योंकि हमारा भारत कहीं ना कहीं मुझे ये लगा या तो करुण भाव से कहें या करुणा प्रधान देश है, इसको हम कई स्तर पर देखते हैं। अभी सर ने भी जो बातें कहीं उसमें बात बार बार वही आ रही थी कि आत्मभाव जो है उसमें भी वो करुणा प्रधान है। जीव या जीवात्मा तो है, जिजीविषा है, जैसे आप कह रहे थे कि चींटी में भी है, ये तो मंडन मिश्र जब वेदांत पर लिखते हैं तो उदाहरण देते हैं कि आप चींटी को भी मारना शुरू करेंगे तो भागना शुरू करेगी, तो जिजीविषा है उसमें। लेकिन फिर भी भारत में जिस तरह से जीवों को या जिस भी कथा को या जिस भी कल्चरल नैरेटिव को हमने देखा उसमें करुणा प्रधान रहा। अब इसी को मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करूंगा दूसरे कल्चर्स के लिए, लेकिन पहले कुछ भारत का ही उदाहरण हम दे दें कि पहले तो कुछ शब्द जिसे हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि टेंडर है, पैथेटिक है, पिटिएबल है, एक्साइटिंग है, ये सारे वर्ड्स डिक्शनरीज में मिलते हैं। अब करुणा एक्साइटिंग भी है एट वन लेवल, और वो है कई स्तर पे, अगर क्रिश्चियन थॉट में देखें, चूंकि अंग्रेजी तो क्रिश्चियनिटी की भाषा है तो उसमें वो है, लेकिन इसको कई जगह पे हम देखते हैं। जैसे करुणा की जब भी मैं बात करता हूँ तो कम से कम ये पुस्तक मेरे सामने होती है, रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसलिए अभी भी मैं अपने साथ लेके आया हूँ। तो इसमें कई शब्द हैं, इसी के बारे में उत्तर रामचरित में भी लिखते हैं, विकल करुणई है आर्य चरितई है, विकल करुणा है इसमें। अब विकल करुणा, अब इसमें आखिर यहाँ करुणा का अर्थ क्या हुआ, अगर हम इसको कहीं भी समझने का प्रयास करते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, आगे भी इसमें हमें मिलता है, पुट पाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस, करुण रस है, लेकिन करुण रस इसमें कहाँ है, राम के चरित्र में क्या है जो करुणा में के रूप में परिलक्षित होता है या जिसमें हमें करुण रस मिलता है। इसको अगर हम कहीं भी करुण रस के आधार पर देखने का प्रयास करें तो
जितने भी वर्शंस हैं उस सब में मिलता है। एक एक शब्द और भी मिलता है इसमें, करुण विप्रलंब। अब ये श्रृंगार का रूप है, तो श्रृंगार रस में विप्रलंब श्रृंगार की बात करते हैं, तो उसमें करुण विप्रलंब और करुण ध्वनि की बात करते हैं, उस ध्वनि में करुणा है। तो उसका कहीं ना कहीं जो हमारी ओरल नैरेटिव की ट्रेडिशंस है उसमें कहीं ना कहीं उसमें फोनोसेंट्रिसिटी के स्तर पर भी करुणा को देखते हैं। दूसरे किसी के लिए मुझे नहीं मिलता है, हास्य ध्वनि उस तरह से नहीं मिलता है मुझे, दूसरे किसी भी भाव के लिए या रस के लिए वो ध्वनि मुझे नहीं। और यहाँ ध्वनि जो है वो साउंड के अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है, मतलब वो सजेस्टेड मीनिंग की तरह से नहीं यहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो। तो करुण ध्वनि का भी अर्थ जो है तो वो करुण के लिए ही है, क्रंदन के अर्थ में ही आता है, करुण ध्वनि का ही अर्थ आता है, दूसरे में नहीं मिलता है मुझे। और इसके लिए आप, और ये बड़ी लंबी परंपरा है जैसा हम जानते हैं, मैंने रामचरितमानस में भी देखा बहुत बहुत, देखिए कितना, तुलसीदास को तो चित्रकूट में वाल्मीकि का अवतार ही मानते हैं, बनारस में और चित्रकूट में उनको वाल्मीकि का अवतार मानते हैं, तो वहाँ भी वो कह रहे हैं उनका, देखिए बालकांड में शुरू में ही लिखते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण, में बस एक उदाहरण दूंगा, सो केवल भगतन हित लागी, रामकथा के बारे में कह रहे हैं कि अब ये भगत लोगों को, ये जो भक्त लोग हैं उनको ये हित लगता है, परम कृपालु प्रणत अनुरागी जेहि जन पर ममता अति छोहु, जिस भी व्यक्ति पर उनकी बहुत ममता है, जेहि करुणा करी कीन न कोहु, एक बार जब उन्होंने करुणा अगर कर दी तो फिर क्रोध नहीं करेंगे कभी। अब यहाँ पर वो अर्थ किस में कहते हैं कि एक बार अगर उनकी करुणा मिल गई, उनकी कृपा मिल गई, जो आजकल का शब्द इसके लिए है, पहले कह भी रहे हैं परम कृपालु प्रणत अनुरागी, एक बार अगर आपको कृपा मिल गई तो आपके साथ हाथ से या आपके माध्यम से कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके लिए क्रोध किया जा सके। क्रोध आप पर तभी हो सकता है जबकि आपको कृपा नहीं मिली है, अभी का शब्द वहां करुणा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं रामचरितमानस में। अब ये कल्चरल नैरेटिव्स हमारे हैं जिसके लिए कोई भी शब्द हमें दूसरा कहीं मिलता नहीं है, और उसको भी समझने के लिए कि शब्द हमें मिलना चाहिए, इसी रामचरितमानस में ही एक उनका एक चौपाई का एक भाग है कि अगर कहीं ना कहीं कंसेप्ट होगा तो रूप और नाम अगर होगा तो रूप नाम नहीं नाम विहीना, रूप अगर नाम, रूप और ज्ञान अगर होगा उस अर्थ में करुणा का कहीं भी, तो उसके लिए नाम तो होना चाहिए, क्योंकि नाम विहीन रूप और ज्ञान हो ही नहीं सकता, उसका कॉग्निजेंस नहीं हो सकता जैसे भी हम कहते हैं। तो इस तरह से कई बार जब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे नैरेटिव में क्या क्या थी बातें, तो इसमें वाल्मीकि रामायण में तो कहते ही हैं कि वाल्मीकि को इसलिए कहा गया कि आप लिखें, या जैसे भी उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि इस कथा में जो करुण भाव है, जो करुणा है, उसको वही महसूस कर सकते थे। क्यों कह सकते थे, तो वहाँ भी फिर इसी में, यहीं पर इसी वाल्मीकि रामायण में वो कहते हैं, ततः करुण वेदित्वाद धर्मोयमिति द्विजः, इस करुण वेद को, उस करुण वेद को समझने वाला, उस वेदित्व करने वाला, उसको समझने वाला और धर्म नियम से चलने वाला जो होगा द्विज, वो आप ही हैं, इसीलिए आप ये लिखें। कहता है निशाम में रुदतीं क्रौंचीं इदं वचनम अब्रवीत, जो क्रौंची के दुख को अपनी भाषा में इस प्रकार कह सकता है वही इसको भी समझ सकता है, इसलिए आप ये कहें। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं विप्रलंब की बात आ रही है, और यहीं पर वो करुण ध्वनि की बात भी करते हैं कि आपकी भाषा में वो करुण ध्वनि है, आपके जो ने जो छंदोबद्ध रचना की उसमें वो करुण ध्वनि है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक आप देखिए कि फोनेटिक्स की भी बात आ रही है। हमारे यहाँ कल्चरल नैरेटिव का ये पार्ट रहा, हमारे यहाँ संस्कृति का ये भाग रहा कि जिस भाषा में हम बात करते हैं, जिस भी तरीके से हम बात करते हैं, उसमें हमारे भाव आ जाते हैं। तो भाषा और भाव का ये जो अंतर संबंध है, इसी कल्चरल नैरेटिव का पार्ट रहा। और इसी को और भी तरह से देखें, देखिए अब हर बार करुणा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे शब्दों के से जब समझने का प्रयास करते हैं, तो इसी में आगे कहते हैं, समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः, मतलब जो रचना उन्होंने की चार
पदों की जिस श्लोक को की रचना की वाल्मीकि ने, जिसमें उन्होंने क्रौंची के कष्ट का उसकी करुणा को सामने रखा, उसको कहते हैं पादर गीतो महर्षिणा सोनु व्यावहरणाद भूय शोक श्लोकत्वम आगता। भूय शोक, उसमें जो शोक था, अब यह करुणा के लिए दूसरा शब्द हमें मिला शोक, उसका जो शोक था इसीलिए दूसरा शब्द हमें मिला यहाँ शोक। कहीं कहीं और भी जब हम देखते हैं, कहीं मैंने जब देखने का आगे प्रयास किया, जैसे मार्कंडेय पुराण में देखा तो वहाँ पर विशेष करके भी सिर्फ जो और भी है लेकिन विशेष करके जो जो दुर्गा सप्तशती जो उसका, चूँकि वो बहुत ही प्रचलित है इसलिए कल्चर ने जो बहुत ही प्रचलित था उन्हीं टेक्स्ट को मैंने देखने का प्रयास किया था। तो वहाँ देखिए पांचवें अध्याय में दुर्गा सप्तशती में वो कहते हैं, जहाँ आपने प्राय सुना भी होगा वो कई जगह, जो या देवी सर्वभूतेषु, अब आगे कहते हैं हम उनके रूपों की बात करते हैं, तो उसमें चार देखिए जो करुणा के पूरे भाव को परिलक्षित करते, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण क्षमा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, तीसरा शब्द या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, और जब तीनों से भी नहीं चलता है काम तब या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। इन चारों को मिला के देखिए फिर वही करुणा भाव कर्म रस के रूप की ओर हम जा रहे हैं। और इसके अलावा प्रारंभ में, ये तो पांचवें अध्याय की बात कही, प्रारंभ में आप देखेंगे तो वो कहते हैं सर्वोपकार करणाय, माता के प्रति सर्वोपकार, सर्व उपकार करणाय, करने के लिए तृतीय विभक्त के साथ सदार्द्र चित्ता, सदा आर्द्र चित्ता, आर्द्र चित्त है। अब यहां फिर देखिए करुणा के लिए ही एक शब्द है आर्द्र चित्त, चित्त के बारे में हमने चर्चा की, चित्त आर्द्र कब होगा उसका वो एक्सटर्नल एजेंसी की तरह हम देख रहे हैं, क्योंकि चित्त में आर्द्रता का कोई अर्थ नहीं बन, सामान्य अर्थ नहीं बनता है, अविदा अर्थ नहीं बनता है, तो हम उसको और देखने का प्रयास करते हैं। आर्द्र चित्त हमारे नयन आर्द्र होते हैं, वहां से चित्त की आर्द्रता का आभास होता है, वो जब हम देख रहे हैं तो इसका मतलब कि देखिए हमारे आंखों में जो आंसू है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन आंसुओं के पीछे के जो भाव हैं वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए आर्द्र चित्ता, मगरमच्छी आंसू से काम नहीं चलेगा। तो ये जो आर्द्र चित्तता जो है वो भी उसी भाव की ओर ले जाता है, और ये सब बहुत ही पॉपुलर कल्चरल नैरेटिव से कि में जो टेक्स्ट्स हैं उनसे मुझे मिलता है, क्योंकि हम लोग तो ये रामचरितमानस वगैरह तो आप देखते हैं, मास पारायण वगैरह बहुत ही सामान्य है, सौभाग्य से बनारस में 5-6 वर्ष रहा हूँ तो वहाँ तो हम लोग बहुत ही सुनते थे। तो इन परिस्थितियों में समझने के बाद जब हम थोड़ा सा और थोड़ा सा वाइडर अपने ही कंटेक्स्ट में, अभी दूसरे कंटेक्स्ट को भी मैं बाद में रखूंगा थोड़ा करके, क्योंकि 3-4 कल्चरल नैरेटिव समझने का प्रयास कर रहा हूं आजकल। तो अगला जो है जैन धर्म में कहते हैं, अब जैन धर्म के लिए टेक्स्ट जैनियों के छोड़ दीजिए, सर्वदर्शन संग्रह वो अरहत दर्शन उनका अध्याय है, वो कहते हैं न यत् प्रमाद योगेन जीवितव्य परोपणं चराणां स्थावराणां च तद सिंह संव्रतम तत् अहिंसम व्रतम मतम। अहिंसा व्रत की परिभाषा करते, दो रूप में करुणा को देखते हैं वो, एक अहिंसा में और एक सत्य व्रत में, दोनों में करुणा है। दोनों की जब परिभाषा करते हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि वो चरक संहिता में जब आप परिभाषाएं देखें तो वहाँ भी कुछ भाव आयुर्वेद वगैरह में आते, उसमें भी करुणा का ही भाव है, ये जैनियों के रूप में हम देखते हैं यहाँ पर। अब इसका अर्थ के न यत् प्रमाद योगेन, प्रमाद मतलब असावधानी या किसी तरह के पागलपन के कारण जो नहीं किया गया है, से भी जन पर और स्थावर पर, जो भी चर अचर किसी का भी, अगर आप किसी भी तरह प्रमाद से भी आपने अगर नहीं किया, किसी के भी जंगम जो है जगत और गत जो भी है उसमें अगर प्राण का नाश आपने नहीं किया तो वो अहिंसा है। आपको किसी भी स्थिति में आपको प्राण का विनाश नहीं किया जाना है और वो अहिंसा व्रत है। तो यहां फिर उसी करुण भाव से, करुण भाव का अब अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे,
जो आगे प्रश्न उठेगा, क्योंकि ये सिर्फ कॉम्पैशन नहीं है, जैसे मैंने जो राइटअप आपने मांगा उसमें दिया भी मैंने, पैथोस है, कॉम्पैशन है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये तो एकात्मता है, ये करुणा, ये वो भाव है जिसमें पूर्ण एकात्म हो जाते हैं हम उस भाव के साथ और किसी भी एक संपूर्ण जीव चर अचर के साथ, तब वो करुण भाव आता है। एंड इट इज नॉट मियर एम्पैथी, एम्पैथी का भी एक वर्ड आगे आएगा, तो वहाँ पर जो है, इसलिए बाकी जितने भी रस हैं, इसे श्रृंगार रस को प्रधान रस मानते हैं, लेकिन वहाँ भी विप्रलम्ब, और आप जितने भी टेक्स्ट देखिए तो करुण विप्रलम्ब ही सबसे अधिक आपको मिलेगा किसी भी कल्चरल नैरेटिव में, अधिकांश उसके रूप अलग अलग होते हैं, अब उसके लिए कुछ और है। दूसरा एक उदाहरण कि सत्य के साथ कैसे करुणा का सिया संबंध अरहत दर्शन में वो करते हैं, प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं सूनृतं व्रतम उच्यते। प्रिय पथ्य को आजकल वो सामान्य भी जो डॉक्टर्स वगैरह भी जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए सामान्यतः ये शब्द है कि वो बीमार हैं, पथ्य पर हैं, तो वो पथ्य का अर्थ क्या है, उसका लिटरल मीनिंग जब एनालाइज करते हैं तो ये है कि जो अंत में सुखद हो, उस वक्त सुखद नहीं होगा, बाद में आपके लिए सुखद होगा। तो प्रिय जो होगा, पथ्य जो होगा और जो तथ्य होगा, तीन ही तरह की बात हम बोलते हैं, या तो जो आपको अच्छा लगे वो कह दें, तुमको दिन को रात कहो रात कहेंगे, तो जो अच्छा लगे वो कहेंगे, प्रिय कह देंगे, या कुछ ऐसा पथ्य कहेंगे जो अभी नहीं आपको बाद में अच्छा लगेगा। जैसे सर हमेशा कहते थे कि इन द एग्जामिनेशन डोंट लव दाई नेबर, तो एंटी बिब्लिकल स्टेटमेंट है, तो है, लेकिन वो पथ्य है, तो और या तो फिर सत्य कहेंगे, तीनों। इसको सुनृत कहते हैं, ये तीन तरह की जो वाणी आती है, सुनृत है, वह वाणी सच्ची होकर भी सच्ची नहीं है जो प्रिय या हितकर नहीं है। तो आप तीनों का प्रयोग करेंगे लेकिन हितकर होगा, तो हितकर तभी होगा जब आपका जो भाव है उससे एकात्मता हो रही है, और इसी अर्थ में करुणा का हमारे कल्चर में, कल्चरल नैरेटिव में प्रयोग किया गया है। सामान्यतः जो मैंने समझा है एक बहुत ही सामान्य तरीके से, किसी भी कल्चरल नैरेटिव में कोई भी कहानी जब हम देखते हैं तो इसी तरह से मिलता है। दूसरे कुछ कल्चरल नैरेटिव्स में अगर आप देखेंगे, इसलिए कि वो कल्चरल नैरेटिव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज दे आर दी अदर पेगन्स स्टिल सर्वाइविंग लाइक अस, दे आर दी जैपनीज पीपल, बहुत क्रिश्चनाइज हो गया, अभी देखा आपने कि उनके प्राइम मिनिस्टर की हत्या ही इसीलिए हुई क्योंकि वो एक कल्चरल नैरेटिव की बात थी और एक रिलीजियस नैरेटिव की बात थी, लेकिन उनका अभी भी अगर उनके आप टेक्स्ट देखेंगे, और जो कुछ टेक्स्ट जो भारत में बहुत पॉपुलर है, आप सब लोग पढ़ते होंगे, अभी बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ नहीं है, मांगा बहुत ही पॉपुलर है, तो उनको मैंने एनालाइज करना शुरू किया था, कुछ में तो एक दो का उदाहरण दूंगा। डेथ नोट देखा होगा आपने, पर है, बहुत फेमस है ना डेथ नोट, आजकल यंगस्टर्स बहुत देखते हैं डेथ नोट और उसका टेक्स्ट भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं मैं नहीं कहूँगा नहीं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसको मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स देखा है जो उसको अंग्रेजी में देखना पसंद नहीं करते हैं, उसको जापनीज में देखना पसंद करते हैं, भले नैरेटिव आ जाए नीचे वो सब टाइटल्स आ जाए लेकिन साउंड वो सुनेंगे जापनीज, ये एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो साउंड जो है उस भाव के साथ, जो मैंने कहा भाषा और भाव का एक संबंध है, तो जब जापानी भाषा में आप उसको देखते हैं तो उस भाषा और भाव का संबंध भी बहुत स्पष्ट होता है। अब ये डेथ नोट को जब आप देखते हैं तो डेथ नोट में है क्या, बेसिक टेक्स्ट आप देखिए, वो डेथ की ही बात है, सर भी अभी वही चर्चा हम बहुत देर से कर रहे हैं, वो एक उसका कैरेक्टर है, उसको एक किताब मिल जाती है, वो किताब किसकी है उसको कल्चरल नैरेटिव से ही मिलाइएगा, उसको शिनिगामी, एक उनके उनके देवताओं के प्रकार हैं, उसमें एक है शिनिगामी। अब शिनिगामी एक वो देवता है, कुछ इस तरह के हैं जैसे म्यूजेस का कंसेप्ट है, लेकिन हालांकि कंसेप्ट डिफरेंट है, ये जैसे म्यूज का कंसेप्ट है कि दे ल्योर यू टू डेथ, दे ल्योर द सी फेयरर्स टू डेथ, ये ग्रीक कंसेप्ट है, तो यहां पर शिनिगामी का कंसेप्ट है दे ल्योर द ह्यूमन बीइंग्स टू डेथ,
और डिफरेंट कंटेक्स्ट में ले जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेक्स्ट एक ही हो, जैसे म्यूजेस के साथ ये लगभग कंटेक्स्ट एक ही है बाय एंड लार्ज। तो यहाँ पर शिनिगामी जो है दे इनवाइट, जो अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं, दे इनवाइट ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स डेथ। अब ये आप कंसेप्ट देखिए, उनका पेगन कंसेप्ट है ये, तो डेथ नोट में उसको वो किताब मिल जाती है। शिनिगामी के साथ ये है कि वो स्क्रिप्टिंग करते हैं कि इसको मरना है, सो इसका नाम हमने लिख दिया। अब वो देखिए, नाम भी देखिए वर्ल्डली है, दे आर गॉड्स, बट नेम गिविंग विच इज़ अ वर्ल्डली फीचर, उससे भी उनका रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप के साथ, मतलब कि इस रूप में, जिस भी नाम और रूप में जाने जा रहे हैं, जैसे मैं सुशांत हूँ, तो मैं इस नाम और रूप में जाना जाता हूँ तो मैं सुशांत हूँ। किसी और नाम और रूप में जाना जाऊँगा, हो सकता है किसी के लिए मैं सिर्फ बेटा हूँ, किसी के लिए सिर्फ पिता हूँ, तो वहाँ पर वो नाम नहीं। जिस नाम और रूप का एसोसिएशन उस नाम से है, उसको वो उस पुस्तक में लिख देगा। ये इसको जो कैरेक्टर है, इसको वो मिल जाता है। अब इसका ये यूज क्या करता है, यूज कैरेक्टर देखिए, यूज वो करता है कि जितने भी विद इन कोर्ट्स ड्रेडेड वाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स हैं, उनका वो नाम लिखना शुरू करता है, जिनको ऐसे सजा नहीं मिलनी, उनका वो किसी एक का नाम लिख दिया, उसने उसकी डेथ हो गई। और डेथ भी बड़े अजीब अजीब तरीके से होती है, बिकॉज इट इज एज इफ इट इज गिवन बाई गॉड, क्योंकि वो तो शिनिगामी है, वो तो गॉड डिसाइड करता है, एंड दे आर इन्वाइटेड टूवर्ड्स डेथ। ऐसा भी नहीं है कि उनकी उनका मर्डर हो रहा है, दे आर इन्वाइटेड टू डाई इन सच अ वे दे डाई दैट दे आर इन्वाइटेड टू डाई। वो कंसेप्ट ही वही है, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट ऑफ डेथ और उस डेथ नोट का, जिस तरह से उस करुण भाव को वहां पर उसमें पिक्चराइज करता है या उसमें प्रेजेंट करता है, उसका जो भी भाव वहाँ आता है, इसको आप देखेंगे तो ये एकदम डिफरेंट तरीके से है। हमारे यहाँ ये भाव नहीं है, दे आर अदर पेगन कल्चर्स, लेकिन हमारे यहाँ वो भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शिनिगामी है, दे इनवाइट यू टू डेथ, हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है। इज देर एनी गॉड दैट इनवाइट अस टू डेथ? ऐसे ये कंसेप्ट ही नहीं है। आप चाहे जिस भी कैटेगरी में गॉड को रखें, ये कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। वो एक कंसेप्ट उनके यहाँ एक अलग तरह का कंसेप्ट हो गया ऑफ डेथ, बीइंग इनवाइटेड टू डेथ बाय गॉड, नॉट डेस्टिन्ड टू डाई बट इनवाइटेड टू डाई इन अ पर्टिकुलर वे, एंड दैट्स अ डिफरेंस। और एक उदाहरण या दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ जो बहुत ही कॉमन है, एक बहुत ही फेमस किताब भी है, बहुत प्रसिद्ध किताब। आमतौर पर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिटरेचर जो नॉन यूरोपियन परस्पेक्टिव से लिखा गया वो नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें एक ये जापानी परस्पेक्टिव भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक शायद फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, एक रचना भी है बहुत प्रसिद्ध, वो रचना है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, फिल्म है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, फिल्म अंग्रेजी में जो टाइटल है उसका है द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। अब ये जो ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज है, इस देखा है कुछ लोगों ने, आप लोगों ने देखा है आपने द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज? यंगस्टर्स जितने होंगे सब ने देखा होगा मुझे पता है। तो ये ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की सेना हार रही है, तो दो बच्चे हैं उनके घर, उनके पिता नेवी में हैं एंड एक तरह की रॉयल नेवी जापान की है और बहुत ही प्राइड पोजीशन पे है वो कि वो रॉयल नेवी में काम कर रहे हैं। तो वो पिता जो हैं वो युद्ध में गए हुए हैं, नेवी में हैं, बहुत बड़े जो सबसे बड़ा जहाज उनका सबसे महत्वपूर्ण जहाज है उसमें हैं वो, और वो जब बॉम्बार्डमेंट होता है तो मिलिट्री एरिया पर करता है, तो मिलिट्री एरिया पर जब बॉम्बार्डमेंट होता है तो उनकी माँ मर जाती है, क्योंकि वो माँ क्या कहे, माँ दोनों बच्चों को घर में छोड़ के राशन लाने गई है, तो उसी में मिलिट्री एरिया बॉम्बार्डमेंट होता है, माँ मर जाती है। अब दोनों बच्चे जो हैं सो एक तरह से अनाथ हो गए, तो उनको शिफ्ट किया जाता है, उनकी एक ऑन्ट है उनके यहाँ, अपने रिलेटिव के यहाँ भेजा जाता है। तो रिलेटिव के यहाँ ऑन्ट जो है वो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, जिस भी कारण से वो, उसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो ये दोनों बच्चे घर से भाग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से भाग गए, जाके भाग के रहते कहाँ हैं, तो एक पुराना जो बॉम्ब का शेल बड़ा है, बड़े बॉम्ब्स थे तो उसका एक शेल है,
उसमें वो अपना घर बना, एक तरह की जो हमारा कंसेप्ट खोली में घर बना लेते हैं, तो खोली में घर बना के दोनों बच्चे रहने लगते हैं। अब वो उनके पास जो भी है, पैसा है, जो कुछ भी है, धीरे धीरे ख़त्म होता है। कुछ काम भी करते हैं, जितना काम होता है उससे करने की कोशिश करते हैं। एक भाई और एक बहन है, भाई और बहन धीरे धीरे दोनों जो हैं सो वहाँ पर जापान में राइस ख़त्म हो जाता है, चावल है ही नहीं खाने के लिए, जो है बहुत ही लिमिटेड राशन में है। तो अब उसको कहीं से मिलता नहीं है, ना कोई काम मिलता है, तो वो कुछ हल्के फुल्की चोरियाँ करता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेता। देखिए यहाँ करुणा भाव आ गया, ये कंसेप्ट हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर में ये आपको नहीं मिलेगा, वेस्टर्न मतलब सो कॉल्ड वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर में नहीं मिलेगा, यहाँ करुणा भाव का। उसको पकड़ के एक चोरी करता है किसी के खेत में, तो वो खेत का जो मालिक है उसको पकड़ के पुलिस ऑफिसर को दे देता है। पुलिस ऑफिसर जो उसको बात करता है, उससे उसकी बात वो समझता है, और वो समझता है कि ये चोर नहीं है, चूँकि ये भूखा है और इसकी अपनी बहन को खिलाना है, इसीलिए इसने चोरी की है। तो उसको डांटता है, वो भी बहुत अफेक्शनेटली डांटता है। अगर आप ध्यान से उसको उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जो नैरेटर्स वहाँ पर इंटरवेंशन है, उस डांट में भी एक तरह से उसके पिता की झलक है, एक तरह से आप ये देख सकते हैं। तो वो डांट करके उसको छोड़ देता है, उसको कहता है नहीं जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं होगा, तुम चले जाओ। वेस्ट के नैरेटिव से आप कंपेयर करेंगे तो लेव टॉल्स्टॉय वगैरह में आप करेंगे तो क्रिश्चियन जो नैरेटिव्स हैं उसमें, अगर जैसे लेव टॉल्स्टॉय की एक कहानी है द मैच गर्ल, तो वो मैच स्टिक लेके रात भर जलाती रहती है और सुबह में वो मर जाती है, वो लड़का जला रहा है। आप वो कल्चरल नैरेटिव नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर करुण भाव को समझता है, यहाँ करुणा एक उस रूप में है जहाँ फिर भी अपनी स्थिति, जो उस पुलिस ऑफिसर की अपनी स्थिति है, उससे उस एकात्मता के भाव के साथ उस करुणा को समझता है। और यहाँ पर वो ऑथर आता है, बाद में क्या होता है उसी में, उसके आगे कहानी ऐसे ही चल रही है। बाद में उसकी बहन बीमार हो जाती है, खाना मिलता नहीं है, डॉक्टर कहता है कि मैलनरिश्ड है तो इसको खाना खिलाओ। फिर वो बहुत मेहनत करके ईमानदारी से उसको प्रॉमिस करके जाता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, सब ठीक है। बहुत मेहनत से वो कमा के लाता है। जब वो कमा के लाता है तो ये जिस स्थिति में है उसकी बहन, वो खा नहीं पाती है उसको, और वो पत्थरों से खेल रही है। जैसे आपने सर ने कहा ना अभी कि वो जो आपका प्रिय है उसको आप देखने का प्रयास करते हैं या देखने लगते हैं, तो उसको वो सब कुछ सीन याद आता है कि अपने भाई के साथ वो कैसे पत्थरों से खेलती थी। वो खा नहीं पाती है, वो पत्थरों को कहती है कि तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगी, दिस इज राइस केक। राइस केक का एक कंसेप्ट है जापान में, उनका बहुत अच्छा डिश है, तो राइस केक वो खाना शुरू करती है जबकि वो पत्थर है। तो धीरे धीरे वो बच्ची मर जाती है। ये कंसेप्ट पूरा ले करके जीता है ऑथर, और 1964 के करीब वो पूरी कहानी लिखता है। यहाँ पर लिखते समय अब देखिए फिर से एक बात वही आ जाती है कि कैसे एकात्म भाव जो है और डेथ को या जो भी हमारे जीवन के सापेक्ष, जीवन या मृत्यु के सापेक्ष जो भी हो रहा है उसको हम अलग तरीके से कैसे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंसेप्ट ये है जापान में डबल डेथ का कंसेप्ट। जापान में डबल डेथ का एक कंसेप्ट है, इट्स अगेन अ कल्चरल नैरेटिव। तो उस कल्चरल नैरेटिव को देखने का वो प्रयास करता है, और उनसे पूछा जाता है इस ऑथर से कि देखिए ये तो हमारा कल्चरल नैरेटिव है, तो क्या आपने जो कहानी लिखी है इसमें डबल डेथ है, क्योंकि ये तो आपका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। तो कहता है कि हाँ एक तरह से तो डबल डेथ है, बिकॉज माई सिस्टर डाइड एंड हर ब्रदर डाइड ऑलमोस्ट द सेम टाइम। देख लीजिए द नोशन ऑफ डबल डेथ है। अब ये नोशन ऑफ डबल डेथ कहां से आता है, देखिए ये कल्चरल नैरेटिव है। ऐसे तो ये किताब, इसके लिए जापानीज का शब्द है शिंजू, वो जापान का एक नॉवल है या टेक्स्ट कह लीजिए 17th-18th सेंचुरी का, वहां से कंसेप्ट आता है। इसको अगर हम अपने कंसेप्ट में आजकल हम समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरह की है कंसेप्ट ऑफ डबल डेथ कि लवर स्लीप, we can't live in this life together for whatever reasons, so let us commit suicide, it's a kind of suicide pact. कि अब दो लवर हैं,
वो इस जीवन में एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो जो भी हो, सोशल नॉर्म हो या पॉवर्टी हो, जो भी हो, सो दे डिसाइड टू डाई टुगेदर सो दैट दे लिव इन हेवन टुगेदर। ठीक है, अगेन कल्चरल नोशन देख, यू डाई टू लिव इन हेवन, बट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अंडर व्हाट सिचुएशंस, योर अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ दिस लाइफ इज टू बी रियलाइज्ड इन हेवन, नॉट दैट समथिंग समथिंग दैट यू माइट कंसिडर ए लग्जूरियस लाइफ, वट एवर विद इन कोट्स, वट एवर बी योर कंसेप्ट ऑफ लग्जरी इन लाइफ, इफ दैट इज, इफ माई कंसेप्ट ऑफ लग्जरी इन लाइफ इज टू लिव इन दी इन अ वेरी बिग विला, देन आई माइट गेट दैट, एंड देन देर आर डिफरेंट क्वेश्चन एंड डिफरेंट परस्पेक्टिव बिकॉज द आंसर्स आर गिवेन, हियर इट इज नॉट सो, आंसर्स आर नॉट गिवेन, लेकिन उस करुण भाव को समझने का प्रयास किया गया और कहा गया कि नहीं, आप उस डेथ में, उस करुण भाव में, एकात्म भाव में सभी जीवों के साथ रहेंगे आप, और उसमें इन दैट यूनिसन विद द नेचर, इन दैट यूनिसन विद द इंटायर सोसाइटी, यू विल रियलाइज योर पोटेंशियल एंड योर ड्रीम डेथ के लिए। और इसी करुण भाव को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना करुण भाव, तो उसको हम किसको कह सकते हैं? देखिए, यहाँ मैंने बता दिया कि करुण भाव जापानीज कल्चर में कैसे वो एक्सप्रेशन है, एंड दे आर रिसेप्टर्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन। चेखव की कहानी है मिजरी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, देर इज नो रिसेप्टर ऑफ योर करुण भाव, उसका वो मिजरी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, उसका वो कैरेक्टर है आयोना है या इोना जैसे भी पढ़ें, वो उसका बेटा मर गया और वो टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी चलाता है, उस वो बैठा हुआ है आराम से, उसको एक कोई कस्टमर उसका आता है, खटखटाता है उसका शीशा कि भाई आप मुझे वहाँ जाना है, तो कोई जवाब नहीं देता है, दो चार बार खटखटाता है तो कहता है कि भाई यू नो माई सन डाइड टूडे, समथिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसे, मैंने तो हिंदी ट्रांसलेशन में ज़्यादा पढ़ा था, मतलब देखो मेरा बेटा आज मर गया है। तो वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा मुझे वहां जाना है, आप मुझे वहां पहुंचा दो। ही इज नॉट कंसर्न्ड, एकात्मता नहीं है उसमें, उसके अंदर में जो सप्रेस्ड करुण भाव है उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं, इसलिए कोई शब्द नहीं, आप ये नहीं कह सकते उसमें कंपैशन नहीं, हो सकता है वो कंपैशनेट हो, बट द अदर एस्पेक्ट्स डोमिनेट। इस तरह से वो पूरी कहानी चलती है, और अंत में वो आयोना बात किससे करता है? अपने घोड़े से, कोई उसकी बात नहीं सुनता। तब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का, कि या मैं अगर किसी की बात सुन लूं तो मैं घोड़ा हो गया, ये नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अंत में वो अपनी बात किससे कर पाता है? तो जो उसका एक बिलवेड एनिमल है उससे कर पाता है। और वो देखिए, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का डेलिबरेटली ये कहानी रशिया से एक दो उदाहरण लिया, इंक्लूडिंग लियो टॉल्स्टॉय, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो 1200 साल से एक डिफरेंट कल्चरल ट्रेंड लेके चल रहा है। तो उस क्रिश्चियन वैल्यू में भी वो अल्टीमेटली वो डिपेंड करता है उस पर, दोज हु हैव बीन क्रिएटेड टू सर्व हिम, उसकी बात भी सुनने के लिए कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, द कंपैशनेट क्रीचर इज एन एनिमल, आप इसको जैसे भी देखें, बट कल्चरल नैरेटिव का पार्ट यही हुआ कि इन दैट वे आल्सो ही सर्व्स द अदर एनिमल सर्व्स। सो जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं कि इवन दे सर्व हु वेट एंड वॉच, who stand, wait and stand. तो वो बात आती है यहाँ पर कि सुनने के लिए हो सकता है, जैसे हम कई बार कह भी देते हैं, अभी कहा भी गया कि they would keep their parents, they would keep a dog but not the parents. मुझे ये भी cultural narrative हमारा नहीं लगता है, because dogs are as important, क्या पता वो dog पिछले जन्म में कहीं मेरे पिता ही तो नहीं थे, क्योंकि जब आप श्राद्ध करते हैं, दशग्रात्र श्राद्ध करते हैं, तो दशग्रात श्राद्ध में हम करते क्या है, हमें वो श्राद्ध के मंत्र आप पढ़ेंगे, मैं तो चूंकि छांदो के ब्राह्मण हूँ तो मैं उस विधि से किया है, मैं तुम्हें जान, हम करते क्या है दशगात, जो दशो शरीर के गात्र हैं, जो दशो है उसका हम निर्माण करते हैं, और हमें अपने पेरेंट्स से मिला क्या है, शरीर ही तो मिला है, आत्मा तो है नहीं, आत्मा तो हमें शरीर मिला है, तो हम पेरेंट्स को दे क्या सकते हैं,
दशगात्र श्राद्ध के माध्यम से हम शरीर देते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। पूरी पद्धति वही है, पूरी जो पद्धति है किसी भी श्राद्ध के, दो तीन जो पद्धतियां भारत में प्रचलित हैं सब में वही मिलता है। तो वहाँ पर से जब हम देखते हैं इसको कि हमें शरीर ही मिला है, तो पिता में और मेरे पेरेंट में या जो कहने के लिए हमें हंसी आएगी, लेकिन जिस कुत्ते के साथ मैं बड़ा हुआ, जिसको मेरे पिता ने रखा, वो हो सकता है मेरे ही कोई एंसेस्टर थे, इसलिए तो इस जन्म में भी मेरे बचपन को कलर करने आए। सो दैट इज ऑल्सो मेरा एक आत्मभाव तो सभी जीव जगत सभी से है। तो ये बात होती है। और यहाँ पर जो एक कल्चरल नैरेटिव का डिफरेंस, हमें अभी तीन का उदाहरण दिया है, मैंने एक दो उदाहरण दे दूंगा मैं और, तो ये जो सारी बातें चल रही हैं और इस एकात्म भाव में, चूंकि अभी तक नॉन यूरोपियन की बात कर रहा था, तो इस एकात्म भाव को एक मुझे बहुत बढ़िया लगता है इसमें कि पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त ने एक लाइन लिखा है, जब पंचवटी उनकी रचना है मैथिली शरण गुप्त की, कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता है, वह आप की कहता है, आप की सुनता है। वो वर्णन कर रहे हैं राम का, पंचवटी में राम बैठे हुए हैं, वो सीता चली जा चुकी हैं उस समय में लंका, तो वो अब सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वो एकांत भाव में। अब लोग कह रहे हैं कि वो तो अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन अकेले बैठे हुए नहीं है, वो विप्रलम्ब भाव में है और वहाँ पर जिस करुणा में है उसमें भी आप अपने आप से डायलॉग करते रहते हैं। तो जो चित्त और मन का डायलॉग होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। और अब मन के लिए, जैसे मैं अपने आप को देख सकता हूँ, वैसे मैं आपको देख सकता हूँ, तो जो मेरे मन के अंदर का भाव है वही एकात्म तो आपसे भी हो रहा है। जो तो इस ये जो चित्त और मन, यहाँ जो एकात्मता हमें होती है उसी में करूँ, जब वाल्मीकि उस चित्त में वो चंचलता हो पाती है कि वो उस भाव को समझ सकते हैं, तब वो एक कल्चरल नैरेटिव का क्रिएशन कर सकते हैं। वो कल्चरल नैरेटिव हमारा करुण भाव है, ये हमारी परंपरा से आता है। थोड़ा सा ग्रीक का और उसके बाद थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के लिए ज़्यादा कह चुका हूँ, लेकिन ग्रीक में डायरेक्ट नहीं जाऊँगा सीधा, चूँकि ग्रीक और लैटिन उनका बड़ा अन्योनाश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक को छोड़ के दूसरे से आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं विर्जिल की बात करूँगा। एनेइड, ये भी बहुत प्रचलित है भारत में, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी ये रचना, इसलिए मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ। कहानी क्या कहती है, बहुत सिंपल तरीके से कहूँ कि दीदो एक क्वीन है, क्वीन दीदो है, उनके पति की हत्या उनके अपने भाई ने कर दी। क्वीन के जो भाई थे पिग्मेलियन, उन्होंने उनके पति सिकायुस की हत्या कर दी, ठीक है। तो अब वहाँ की जो मोरालिटी थी उसके अनुसार, जो रोमन मोरालिटी थी, प्री क्रिश्चियन रोमन मोरालिटी थी, उसके अनुसार वो उनको अविवाह नहीं करना है। विवाह की तो बात छोड़िए, शी इज नॉट इवन लाइकली टू फॉल इन लव विथ एनीवन, ये वहाँ की मोरालिटी है, जो ऑनर प्राइड वगैरह कंसेप्ट है उसमें है वो, दैट आई विल नॉट फॉल इन लव विथ एनीवन। लेकिन कहानी ये कहती है कि जूनो देवी जो थी, चूंकि उनका ट्रोजन लोगों से कुछ उनको प्रॉब्लम थी, तो उनको कर्ज दिया था वगैरह से जो भी था, तो उन्होंने एक ऐसा खेल रचा जिसके अनुसार शी फॉल्स इन लव विथ आयनस, एनेइड जो वही से एनस ऑफ एनेइड, एनस इज द मेन प्रिंसिपल मेल कैरेक्टर, पता नहीं मुझे हीरो शब्द यूज करना चाहिए कि नहीं यहाँ पे, लेकिन इज द प्रिंसिपल मेल कैरेक्टर ऑफ दैट टेक्स्ट। वहाँ पर वो बात आती है, देखिए मर्डर की बात मैंने कह दी, उनके अपने भाई ने मर्डर किया है उसके पति का, लेकिन इन सबों में कहीं भी किसी भी प्रकार के करुण भाव की चर्चा आपको उस पूरी पुस्तक में नहीं मिलेगी। ऑनर की बात मिलेगी, प्राइड की बात मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में सब मिलेगा, इवन जो पहला शब्द है, पहला लाइन है, वो बहुत फेमस और कॉमन है, जिसके बेसिस पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा भी आर्म्स एंड द मैन, तो आर्मा वीरूम क्वे कानो आई सिंग ऑफ द आर्म एंड द मैन, जो आर्मा वीर जो हमारे पंजाबी में या हमारे शब्द वीर शब्द जो पुरुष के लिए यूज होता है, वो वही आर्मा वीरूम क्वे कानो, वो वही है, वो कहीं
चर्चा, आपको रामायण में ये बात तो नहीं आती, इसमें भी हम कह सकते थे राम के का छात्र धर्म जो है वो कहीं किसी से कम नहीं है, लेकिन एम्फेसिस छात्र धर्म पे नहीं है, एम्फेसिस छात्र धर्म पे कहीं भी नहीं है। और ये एक कल्चरल नैरेटिव का डिफरेंस है। ये आज की फिल्मों की भी नैरेटिव अगर आप उठा के देखेंगे तो बहुत हद तक ये नैरेटिव का डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, अब वहाँ का नैरेटिव क्या, थीम क्या बन जाता है, उसके उसके आधार पर थीम बन जाता है। हाँ, वो कहानी थोड़ा सा और पूरा कर दूँ तो उसके बाद क्या होता है कि वो, चूंकि वो तो छल से, आयनस से तो मिली ही नहीं थी डीडो, छल से प्रेम कराया गया था। तो होता यह क्या है कि जब ये सारी बातें खुलती हैं, सारा राज जब खुलता है, और तो भी आयनस कहता है कि नहीं, आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू योर लव। वो रिस्पॉन्ड करता भी है, और वो कहानियाँ हैं कि इटली में फाइनली दे आर लेफ्ट इन अ केव वेयर दे मेक लव एंड ऑल दैट हैपेंस। फिर एक बार चूंकि दैवीय छल है तो वो फिर उनको देवता की ओर से आदेश होता है कि नहीं, यू हैव टू गो टू कार्थाज, जो हाँ कि तुम राजा हो, एंड यू हैव टू गो एंड डू योर ड्यूटी देयर। हमारे यहाँ रामायण में भी गो एंड डू, सीता को वो बैनिशमेंट ऑफ सीता की बात आती है, लेकिन इस अर्थ में नहीं आती। अब यहाँ क्या होता है, थोड़ा कंपेरेबल भी है लेकिन डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस मिलेगा। ये अब वो चला जाता है, अब वो चला गया क्योंकि उसको जाना है वहाँ। थीम बना लव एंड ड्यूटी, लव एंड डेथ, अभी डेथ पे नहीं आया, लव एंड ड्यूटी। ही लीव्स द लव फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ये बहुत कॉमन थीम है, आप पूरे यूरोपियन लिटरेचर में पढ़ेंगे तो ये थीम आता है, मॉडर्न लिटरेचर में भी पढ़ेंगे तो थीम आता है, स्पेनिश में, फ्रेंच में, सारे में लव एंड ड्यूटी का थीम कंटिन्यूस एक रिकरेंट थीम है, ये जो वहाँ से आता है, उनके ग्रीक और लैटिन ट्रेडिशन से आता है, वहाँ पर आ रहा है। अब ये क्वीन डीडो क्या करती है, अब ये कहती है कि एक तो मुझे, आई शुड नॉट हैव फॉलन इन लव, देन आई फॉल इन लव आई डू ऑल दैट आई शुड नॉट हैव डन। कंसेप्ट सिन का नहीं है वहाँ, कंसेप्ट वो समथिंग दैट आई शुड नॉट हैव, अमार्तिया का कंसेप्ट, जो एक वर्ड जो अरिस्टोटल ने भी यूज़ किया है, HAMARTIA, अरिस्टोटल भी यूज़ करता है, हाँ अमार्शिया कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ तो एरर का कंसेप्ट है, वो एक्शन बेस्ड है। एक्शन बेस्ड में वो क्या करती है, शी कमिट सुसाइड। देखिए हमारे यहाँ सीता माता भी भूगर्भ में जाती हैं, शी डजंट कमिट सुसाइड, शी गोज बैक टू मदर, बिकॉज शी इज बोर्न फ्रॉम मदर, शी गोज बैक टू हर मदर। सो गोइंग बैक टू, नोशन ऑफ डेथ है, नोशन ऑफ करुण, एकात्मता की भाव है, जो जिस करुणा के है वहाँ पर वो नहीं करती है। वो शी कमिट सुसाइड बाई स्टैबिंग हर सेल्फ इन स्टमक, और उस कंसेप्ट में फिर वही बात आती है कि लव एंड डेथ, लव एंड ड्यूटी ऑन वन साइड, लव एंड डेथ ऑन दी अदर साइड। वही थीमेटिक है कुछ, इसको इसका जेंडर एस्पेक्ट भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेरा काम जितना है उतना ही है। आप दूसरा इसका उदाहरण ग्रीक से एक और ले लीजिए, एंटीगनी पर कम से कम 150 उसका रीटेलिंग है, एटलीस्ट इफ नॉट मोर, मे बी मोर, क्योंकि उसमें है वो सिस्टरली लव की कहानी, लेकिन वो कंटिन्यूअस एक प्रेजेंटेशन है एज अ डिफायंस टू द स्टेट, कंटिन्यूअस ए डिफायंट स्टेटमेंट टुवर्ड्स द स्टेट। देखिए वो कह क्या रही है, बहुत सामान्य सी बात है, उसके भाई की हत्या हो गई, चाहे जिन भी परिस्थितियों में हुई, एक बहन है जिसके भाई की हत्या हो गई, और वो उसका मंगेतर भी है, वो उससे शादी करना है उसको, लेकिन वो अपने मंगेतर को भी, अपने बहन को कहती है कि नहीं तुम उससे शादी कर लो, सो दैट ही इज नॉट अनहैप्पी एंड यू विल आल्सो बी हैप्पी। मुझे, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने भाई का श्राद्ध करना, आप ऐसे कह लीजिए भारतीय शब्दावली, संस्कार करना, जी 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 जी, भाई का संस्कार करना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है। कहानी की बात वही आती है कि वहाँ भी डेथ है, वहाँ भी उसका, उसके सारे इमोशंस हैं, सारे भाव हैं, अपने भ्रातृभाव कह लीजिए, सब कुछ है, लेकिन इसकी चर्चा किसी भी नैरेटिव में नहीं आती है। कल्चरल नैरेटिव उसको किस भाव से देखता है, वो बार बार खुद कह रही है, उसके टेक्स्ट में आता है, लेकिन हर क्रिटिक उसको इस तरह से देखता है, या उसके एवरी कल्चरल जो उसका रीटेलिंग है वो उसको कहीं ना कहीं स्टेट, क्योंकि जो जो क्रेयॉन है, जो 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 उसका किंग है,
वो क्रेयोन भी, वो कहानी तो ईडीपस, क्योंकि ईडीपस की बेटी है वो बेसिकली, ईडीपस ने गलती से अपनी माँ से शादी कर ली है, वो भी दैवीय योग है, उसके कारण से वो पूरी परिस्थितियां बनती है। और क्रेयोन भी राजा नहीं बनना चाहता है। हर वो व्यक्ति जो उस रोल में नहीं जाना चाहता है वो वहां उस रोल में है। भाव वाले रोल सिर्फ दो ही है उस पूरे पूरी मिथोलॉजिकल स्टोरी में, देखिएगा कि जो खुद उस रोल में रहना चाहते हैं, एक तो एंटीगनी है और दूसरा उसका भाई जो मारा गया, वो दोनों बिल्कुल जो रोल चाहते थे अपने लिए चुनते हैं उसी रोल में, बाकी कोई अपना रोल नहीं पसंद कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ देवीय संयोग है। उन परिस्थितियों में भी जब उनका, जब उनकी रीटेलिंग होती है कल्चरल नैरेटिव की, तो कहीं भी इन दोनों के भाव की चर्चा नहीं होती। एंटीगनी की मनस्थिति की चर्चा बहुत कम होती है, साइकोलॉजिकल नैरेटिव की तरह देखते हैं, लेकिन वो हमेशा एज ए नैरेटिव, मतलब लेटेस्ट जो उसका बांग्लादेश में भी फिल्म बनी एक, और लेटेस्ट अफगानिस्तान में भी फिल्म बनी है, बनी मतलब जो प्री तालिबान अफगानिस्तान उसमें बनी थी, तो उसमें भी वो एक कल्चरल नैरेटिव की तरह है जो डिफाइंस टू द स्टेट है, बट डिफाइंस टू विच स्टेट अगर आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, एंड व्हाट इज योर नोशन ऑफ दैट स्टेट, तो आपको उसका बहुत किसी भी कल्चरल नैरेटिव से क्लियर, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं मिलता है। ग्रीक्स ने क्या सोचा होगा मैं नहीं जानता हूं आज के समय में, लेकिन इतना मैं एंटीगनी के बारे में कह सकता हूं कि पिछले 500 वर्षों में जिस भी तरीके से, या 400 वर्षों में जिस भी तरीके से उस नैरेटिव को देखा गया है, क्योंकि आज हम जिस ग्रीक और लैटिन की बात करते हैं, इट इज ए रीमेक ऑफ द 17th सेंचुरी यूरोप, जो 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 जिस तरह से उन्होंने क्लासिकल एज को समझने की कोशिश की है, तो उसमें जो उसकी पूरी रीटेलिंग होती है, उस रीटेलिंग में जो भाव, जिसमें चाहे भ्रातृभाव में ही विप्रलंब भाव हो, लेकिन उसको समझने का कहीं प्रयास नहीं किया जाता है। रिकरेंट थीम वही हो जाता है, इधर डिफाइंस टू द स्टेट, डिफाइंस टू द अथॉरिटी। अब वो अथॉरिटी, ये क्रिश्चियन थीम है, बिकॉज अथॉरिटी इज अगेन रिलेटेड टू पैट्रियार्की, अथॉरिटी कम्स फ्रॉम गॉड, तो वो पैट्रियार्कल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी का डिफाइंस करने की सिर्फ कोशिश की जाती है। कहीं भी जिस भावना के साथ वो अपने भाई का संस्कार करना चाहती है, जो भावना, उसकी चर्चा नहीं होती है। हो सकता है कहानी में हो, लेकिन ये है नहीं। और इसी के साथ आप देखिए, नोशन ऑफ ट्रेजेडी, नोशन ऑफ ट्रेजेडी जो अमर्सिया वर्ड भी मैंने कहा, ये देखिए, नोशन ऑफ ट्रेजेडी इज इन एक्शन। व्हेन यू फील दैट योर एक्शन हैज बीन रॉन्ग फॉर व्हाटएवर रीजंस, वेदर नोइंगली अननोइंगली, बट यू रियलाइज दैट योर एक्शन हैज बीन रॉन्ग, नॉट योर इमोशंस। वो आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है, जीवन को आपने जिया चाहे जैसा भी हो, इसलिए एट दी एंड बार बार कहते भी हैं, दैट सर्बिय भी कह रहे थे, ए लाइफ लिव्ड विदाउट रिग्रेट्स, ऐसा मेरे विचार से हो नहीं सकता। इस उम्र में भी माँ से मैं फोन करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ एंड आई हैव रिग्रेट्स, लेकिन वो पूछती है खाना खाया, मैं कहता हूँ खा लिया, जो नहीं भी खाया है वो तो भी उनको मैं नहीं कहता। Now, whether I should regret or not, आप question, there is no answer. आप एकदम सत्य कहें, मैंने अभी कहा, जैनियों का कहा ना कि मुझे यहां से मिलता है, वह वाणी सच्ची होकर भी सच्ची नहीं है जो प्रिया हितकर नहीं है। अब प्रिया हितकर तो उस context में ही, मैंने अभी नहीं खाया, एक घंटे बाद तो खा लूंगा ना, food is not important. That emotion which is at that point of time, उनमें जो वो करुण भाव है, जो मातृभाव, जिसके साथ मैंने अभी प्रारंभ भी किया था कि वही सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता और मातृ रूपेण संस्थिता, तो हमारा तो करुण भाव, हमारा कल्चरल नैरेटिव वही है, दूसरी जगहों पे वो कल्चरल नैरेटिव नहीं है, क्योंकि वो हमेशा रिलेटेड टू एक्शन है। इसके कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं ये, और ये कंटिन्यूअस, इसलिए अमर्सिया एरर से है। ग्रीक में सिन के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, जैसे हमारे यहाँ देखा जाए तो सिन के लिए कोई वर्ड नहीं, वैसे ग्रीक में भी सिन का कोई वर्ड नहीं है, अमर्सिया वर्ड यूज होता है, अमर्सिया, चलिए अंग्रेजी में सीख लिया जिसका। और दूसरा है ह्यूब्रिस, वो भी एक कंसेप्ट है उनका, वो भी दोनों ट्रेजेडी से ही आ जाता है। इंटेंशनल ऑफ यूज ऑफ वायलेंस टू ह्यूमिलिएट और डिग्रेड समवन, ये कंसेप्ट है, एज ए कंसेप्चुअल आप अपने यहां कोई शब्द ऐसा ढूंढ लीजिए, इंटेंशनल यूज ऑफ वायलेंस फॉर दिस पर्पस नहीं मिलेगा, कंसेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कहानियां उसी तरह की हैं,
मैंने आपको पैरेलल दिखाया, लेकिन उसका जो नरेशन है और उसका जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो करुणा प्रधान है वो मुझे ईस्टर्न कल्चर इन जनरल लगता है, ईस्टर्न कल्चर भारत या भारत के आगे, ईस्टर्न भी बहुत बहुत ही स्लिपरी टर्म है, भारत या भारत के आगे के जो नैरेटिव्स हैं इसमें मुझे मिलता है, उस उधर नहीं मिलता है। और इसका एक उदाहरण बिब्लिकल कुछ टर्म्स यूज कर लेते हैं जो कि प्रायः करुणा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मर्सी, अभी यूथनाजिया की बात करके तो मर्सी किलिंग, करुणा भाव नहीं है उसमें, इट्स आपने किसी पर दया की। अरे आप कौन होते हैं दया करने वाले, आप होते कौन है कि मैं किसी पर दया करूं? अब जो कंसेप्ट भी है ना वो नहीं है, लेकिन मर्सी का डेफिनेशन भी वो करते हैं, कॉम्पैशनेट ट्रीटमेंट ऑफ दोज इन डिस्ट्रेस, सो एक्सपेक्ट समवन इन डिस्ट्रेस फर्स्ट, वाज सीता इन डिस्ट्रेस ऑफ द सेम टाइप, स्पेशली व्हेन इट इज विद इन वंस पावर टू पनिश और हार्म देम, आई एम द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस एंड देन आई एम नॉट कॉजिंग डिस्ट्रेस बिकॉज आई एम द वन हु कैन पनिश और हार्म एंड देन आई कैन हैव मर्सी। करुण भाव नहीं है इसमें, करुणा का नैरेटिव नहीं है। और इसलिए मर्सी के एक्शंस क्या क्या हैं, वो एक्शंस है बिब्लिकल नैरेटिव का एक्शन है, गिविंग आर्म्स, केयरिंग फॉर सिक और द पुअर, ये करुणा भाव नहीं है। केयरिंग फॉर इट इज सर्टेनली एक्शन बेस्ड, जो उस कल्चरल नैरेटिव का ऐसे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि वो एक्शन आपको क्लियरली डिफाइन करता है कि आपको ये एक्शन करना है, लेकिन वो कल्चरल नैरेटिव में एकदम डिफरेंट है हमारे यहाँ से। इस तरह के कुछ और भी चीज़ें हैं, क्लेमेंसी, लीनियंसी, और दूसरा शब्द जो होता है यहाँ पर प्रयोग, कॉम्पैशन। मर्सी इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पैशन, आप पहले कॉम्पैशनेट होते हैं देन यू गो फॉर मर्सी। और कॉम्पैशन को क्या करते हैं उसको भी डिफाइन करते हैं, उनका जो बिब्लिकल नैरेटिव है वो डिफाइन करता है, टू रिकॉग्नाइज सफरिंग ऑफ अदर्स, फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज एंड देन यू टेक एक्शन टू हेल्प। सो there has to be a tangible, compassion is a tangible expression of love for those who are suffering. हमारे यहाँ वो कल्चर, आप को इसलिए किसी भी टेक्सचुअल नैरेटिव में वो कंसर्न्स हमें नहीं मिलते हैं, और इसके थीमेटिक डिफरेंसेस हमें इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि करुणा एज ए कल्चरल नैरेटिव बिल्कुल अलग अलग तरीके से परसीव होता है, और वेस्टर्न कंसेप्ट जो ग्रीक, लैटिन और जो कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कहीं करुणा का भाव प्रायः नहीं आता है। और अंत में एक कंजेक्चर के साथ मैं बंद कर दूंगा कि शायद इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो आज भी इम्पेरियल सिविलाइजेशंस हैं, दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्पेरियल सिविलाइजेशंस नहीं हैं, उनके कल्चरल नैरेटिव्स इम्पेरियल होते हैं। और जो बात मैंने पहले कही थी कि मैं कोशिश इस क्षेत्र में पहुँचता हूँ एक तरह से ट्रांसलेशन और कंपैरेटिव कल्चर या लिटरेचर को समझते हुए, वो बात वही आती है कि आप देखिए दो थियरी है ट्रांसलेशन की, एक तो कहते हैं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दो, उसको हम लोग बड़े शान के साथ आजकल डिस्क्रेडिट करते हैं, और दूसरी थियरी है वो कहती है कि नहीं भाव समझ के ट्रांसलेट करो। भाव समझ के ट्रांसलेट करने वाले को हम लोग भी बहुत क्रेडिट देते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं इसमें कुछ लगता है कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अगर हमारा पर्पस आपके टेक्स्ट को डाइजेस्ट करना है, अगर हमारा पर्पस आपके टेक्स्ट को अपने हिसाब से सामने रखना है, तब तो दूसरी थियरी बहुत अच्छी है कि आपकी बात को हम समझ लें फिर अपने तरीके से कह दें। लेकिन वर्ड टू वर्ड की बात जब हम करते हैं तो प्रयास होता है कि हम उस टेक्स्ट को समझें, और ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकली नहीं, सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के तिब्बतन ट्रांसलेशंस से जापानीज ट्रांसलेशंस, उन्होंने प्रयास किया ओरिजिनल टेक्स्ट को समझने का, और इसलिए उन लोगों ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया एंड दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल्स। तो ये एक डिफरेंस है, और इसी अर्थ में ये कल्चरल नैरेटिव्स इतने डिफरेंट हैं कि जब हम समझने का, करुणा को समझने का प्रयास करते हैं तो अनट्रांसलेटेबल एंड कहीं ना कहीं ये इंटरकल्चरल प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम इसको समझ नहीं सकते उसी तरीके से, क्योंकि
लार्जली जो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ये भारतीय परंपरा का जो टेक्स्ट है, इसमें इन चीज़ों को उस तरीके से समझा नहीं गया है जैसे वेस्टर्न समझते हैं, और इसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। चेंज दिस कल्चरल नैरेटिव जो आप कह रहे हो एक्सप्रेशन जी, इसको आप बदल सकते हो या क्या? यू थिंक दिस इज एप्रोप्रिएट और दिस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड? नो, इट कैन बी रिप्लेस्ड सर। इट इज, ये तो चूंकि ये शब्द स्वीकृत हो गया है, इसीलिए पहले तो कल्चरल नैरेटिव मैंने भी प्रयोग किया, लेकिन इस इट कैन बी रिप्लेस्ड, इट शुड बी ग्रेजुअली रिप्लेस्ड, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम केवल नैरेटिव भी कहेंगे या नहीं। मुझे जो लगा कि आप ये कह रहे हो कि भारत में हमारा जितना साहित्य है उसमें जो जो भी कहानी सुनाई जाती है वो कहानी, अगर वो कहानी कहीं और सुनाई जाएगी तो उसका भाव कुछ और होता है, पर हमारे यहाँ डोमिनेंटली करुण प्रधान होता है नैरेटिव। जी जी, तो करुण प्रधान जो नैरे, इसको कल्चरल नैरेटिव अंग्रेजी का मत कह के कोई और अपना शब्द बना सकते हैं भाई, क्योंकि कथा है, कथानक है, प्रधान प्रधान या नहीं, मुझे मेटा नैरेटिव जो टर्म है ना वो ज़्यादा सूटेबल है एस्थेटिक्स की, ये इंडियन एस्थेटिक्स की मेटा नैरेटिव है। जी जी जी, मेटा नैरेटिव है, लेकिन मैंने मेटा नैरेटिव जानबूझ के नहीं लिया था सर, क्योंकि इसमें सारे जो देखिए रामायण हमारे कंटेक्स्ट में मेटा नैरेटिव्स तो हैं, लेकिन जो दूसरे उदाहरण मैंने दिए हैं वो मेटा नैरेटिव्स नहीं हैं। तो मैं सेंस में दूसरे में कह रहा हूँ जी कि हम जो भी कथा या कहानी या महाकाव्य होता है तो उसका जो मुख्य भाव होता है हाँ, वो यही होता है। जी जी जी, तो ये भाव जो है हाँ, ये मेटा भाव है हमारे साहित्य का। जी, जी जी, तो उसको आप कैसे कहें, क्योंकि कल्चरल नैरेटिव आप बहुत अच्छी तरह पूरी बात हिंदी में कह रहे थे अच्छी तरह से, बीच में बार बार ये आ रहा था कल्चरल नैरेटिव, तो वो थोड़ा उसको इंटरप्ट करता है, उसको इंटरप्ट कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप, क्योंकि मैंने इसके लिए अभी शब्द एक सौ मैंने जानबूझ करके कल्चरल नैरेटिव हिंदी है लेकिन वो मैंने नहीं यूज़ किया इसको सर। मैं मुझे अगर हिंदी में कहने के लिए कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ भाव प्रधान है, लेकिन उस पर अभी और विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसलिए मैंने वो जान के यूज़ भी नहीं किया कि जैसे एंटीगनी की कहानी अगर हमने कही तो वो भाव प्रधान जो भाव है, एंटीगनी नाम है सोफोक्लिस से लेकर के हर जो भी बात तक आते हैं 1940 में 50 में जो भी लिखते हैं सब एंटीगनी कहते हैं उनको, लेकिन एंटीगनी की के भाव को समझने का प्रयास नहीं होता है। बाकी सारी कहानियाँ जो हैं वो स्टेट के इर्द गिर्द चलती है, तो भाव प्रधान में भी रोमन पीरियड में भी आया है जी, वहाँ पे ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट नैरेटिव रहा है जी। मैं अभी यूजिंग योर एक्सप्रेशन जी जी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूल्ड एंड द रूलर जी, ये राइट अप टू फ्रेंच रेवोल्यूशन वही है जी। तो वो इसलिए वो उनकी जो कहानी इतनी इमोशनल है एंटीगनी की, और वो बजाय उस इमोशन को प्रधान बनाने के वो उस फैक्ट को कि वो रिबल करती है आप राजा के खिलाफ जी, एंड पेज प्राइस फॉर इट आल्सो जी, उसको लेते हैं। अगर हम वो कहानी कहते तो शायद हमारा ध्यान, एज यू आर सेइंग योरसेल्फ, कि हमारा ध्यान वो भाई बहन का जो था उस पे ज़्यादा जाता जी। तो ये भाव प्रधान तो कथा है, पर इस भाव का हर कथा में प्रधान होना उसके लिए क्या टर्म होगी, है ना? भाष्य नहीं, भाष्य तो नहीं होगा उसके लिए, इस पर सोचना पड़ेगा। भाव प्रधान है सब कथा, अब फैक्ट ये कि हमारी सारे कथाओं में सारी कथाएं भाव प्रधान हैं, तो फिर हमारी कथाओं को, उन कथाओं को हम किस प्रकार शब्द में कहेंगे इस बात को जी जी। जैसे एक्शन इज सेंट्रल टू ग्रीक ग्रीक ड्रामा एक्शन, हमारे में
एक्शन नहीं है सेंटर, हमारे भाव अनुकृति हमारे यहाँ वो भाव प्रधान हो जाता है। जी जी, हमारे ये अभी सर भाव प्रधान कह सकते हैं और वहाँ भाव प्रधान तो हर कथा है। हाँ, वो पर एक संस्कृति में सारी कथाएं भाव प्रधान हो उसको क्या कहेंगे, वो मैटर या कल्चरल नैरेटिव जो आप कह रहे हैं ना। जो बात कह रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छी बात आती है कि हमारे इंडिया में वी का कॉन्सेप्ट है और उनके यहाँ आय का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उनके यहाँ डेथ में भी देखिए जब किसी की डेथ होगी तो कहते हैं कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट क्राई बिकॉज़ गॉड हैज गिवन यू लाइफ एंड ही हैज टेकन इट। हमारे क्या वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस बाय क्राइंग एंड वी बिलीव की एंड पीपल दे सराउंड यू एंड दे ट्राई टू गिव यू दैट कंपैशनेट थॉट। तो यहाँ पे भी एक आता है, एरिस्टॉटल भी कहता है कि एक्शन एंड एक्शन विच क्रिएट विच कैन इवोक पिटी एंड फियर, वो कहीं इमोशन या उसकी बात नहीं करता, मोर ऑफ वो कनेक्ट इमोशन से कनेक्ट वो पिटी एंड फियर पे ही जाता है। तो दैट आल्सो जबकि हमारे एक सर एक और बात है, आपने जैनिज्म के प्रसंग में करुणा की बात की, बुद्धिज्म में भी है करुणा और मैत्री। जी जी, तो जो वे ऑफ लाइफ है उसमें दो चीजें हैं जो आपस में बैलेंस करते हैं। जी जी बिल्कुल, बुद्धिज्म में तो करुणा को फिलोसोफाइज किया हुआ है पूरा, वो अपने आप में इतना ज्यादा हो जाता कि महात्मा बुद्ध के वो स्टैचू जो होते हैं जी वो उसी भाव को प्रकट करते हैं जो हमारे यहाँ बनते हैं। जी जी, करुणा और मैत्री दोनों। सर आपने जो बुद्धिज्म के लिए कहा था कि वो कर्म को कैरी ऑन करने की बात नहीं कहते हैं, वो बात तो करते हैं, लेकिन सर जब वो बात करते हैं ना कि आप नेक्स्ट जन्म में जाओगे, तो नेक्स्ट जन्म में जब आप जा रहे हो 12 तरीके से कहते हैं ना 12 चक्र जो हम लोग पढ़ते हैं उनका कि वो 12 आपको जन्म लेना, तो डेफिनेटली वो कहीं कैरिंग अवे योर लाइफ ही तो है, योर दिस कर्म टू दैट कर्म, बार बार जन्म लेना। हाँ, वो 12 चक्र उसमें, लेकिन उसमें क्या है कि वो सर आत्मा नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से स्वतांत्रिक और योगाचार करते हैं, वो आलय विज्ञान का कंसेप्ट देते हैं। ये 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 वेदांतियों ने उनसे सवाल किया, जब वो डिस्कशन करते हैं सवाल किया, वो जवाब देते हैं आत्मा नहीं है, आत्मा वो संचित कर्म जो प्रारब्ध कर्म है वो लेके नहीं जाती है, लेकिन वो आलय विज्ञान है और उस आलय में सबका आलय घरी हुआ, उस आलय में सब संचित होता रहता है। तो वहां से अरे आलय हिमालय शिवालय वही आलय है ना, आलय विज्ञान का कंसेप्ट है उनके यहाँ, तो वो आत्मा लगभग पैरेलल है, लेकिन अब डिटेल मुझे नहीं याद। ये आलय विज्ञान जो है इसका कुछ बौद्ध पिटक से भी। हाँ हाँ जी सर, जी सर, ये पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर में आता है और मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि बौद्धों में अगर करुणा की बात करें तो अपने आप में एक पूरा हो जाता है, क्योंकि वो तो शुरू ही करता है ना कि उस चिड़िया को लगा, जो एक गाना भी है ना, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।